हिंदुस्तान की राजनीति का सबसे विवादित बिल राज्यसभा में पास होने के बाद अब लोकसभा में दस्तक दे रहा है। मौके की नजाकत को भांपते हुए कांग्रेस ने बिल में संशोधन करके राज्यसभा में पेश किया और बिल पास हो गया। दिल्ली के नतीजों को देखते हुए इस भ्रष्टाचार विरोधी बिल पर सभी राजनीतिक पार्टियों ने दिलों से तो नहीं लेकिन मजबूरी के तहत हामी भर दी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया। पार्टी का मानना है कि क्या देश में लोकपाल को छोड़कर सभी भ्रष्ट हैं? ऐसा ही कुछ कई नेताओं का भी मानना है, लेकिन जनता के भ्रष्ट विचार विरोधी मुहिम को देखते हुए और उनके गुस्से को देखते हुए सभी खामोश हैं। वहीं भ्रष्टाचार विरोधी बिल को लेकर जनता में पहचान बनाने वाले अन्ना और केजरीवाल इसी बिल को लेकर आमने सामने नजर आ रहे हैं। सियासी पार्टियों ने अब खेल दिया है सियासत का खेल, खेलकर गेंद अन्ना और केजरीवाल के पाले में डाल दी है। अब कांग्रेस के साथ ही सभी पार्टियां दूर खड़ी तमाशा देख रही हैं। नमस्कार, मैं हूं सैयद सलमान और मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे किसका लोकपाल और किसका जोगपाल, और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे कांग्रेस के महाराष्ट्र के प्रवक्ता महादेव शेलार, जो थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी मुंबई के प्रवक्ता योगेश वर्मा जी हमारे साथ हैं, आपके समन्वयक प्रफुल्ल वोरा जी हमारे साथ हैं, और हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के नेता अशरफ आजमी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने अतिथियों के पास चले, इससे पहले हम आपको बता दें कि भ्रष्टाचार से त्रस्त जनता ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त बिल देकर अपना एक जनादेश तो दे दिया। उसी दौरान दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आ गए। चुनाव परिणाम से घबराई कांग्रेस ने आनन फानन में बिल को राज्यसभा में पेश कर दिया और बिल पास भी हो गया। लोकपाल बिल को लेकर राजनीतिक गहमागहमी बढ़ गई है। एक तरफ लोकपाल बिल की मांग रखने वाले सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कभी लोकपाल बिल के लिए अन्ना के साथ खड़े अरविंद केजरीवाल। और इन सबसे अलग विलेन बनकर खड़ी थी कांग्रेस सरकार। लेकिन अब हालात ऐसे बदले हैं कि लोकपाल बिल को लेकर अन्ना और कांग्रेस का मत एक दिखाई दे रहा है, जबकि अरविंद केजरीवाल को अब भी कांग्रेस और अन्ना का लोकपाल बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। बिल को लेकर गर्मी इतनी बढ़ गई है कि कभी साथ रहे अन्ना और अरविंद केजरीवाल एक दूसरे को नसीहत देते दिख रहे हैं। अब इसे कांग्रेस का सियासी दाव कहे या कुछ और, लेकिन अब कांग्रेस लोकपाल बिल को किसी भी हालत में पास कराने के मूड में है और इसे लेकर कांग्रेस अपनी पूरी ताकत झोंकती दिखाई दे रही है। मंगलवार को बिल पास कराने की रणनीति पर चर्चा करने के लिए राहुल गांधी ने एक अहम बैठक भी बुलाई थी। बता दें कि शुक्रवार को लोकपाल बिल राज्यसभा में पेश भी किया गया, जिसे बीजेपी और दूसरी पार्टियों का समर्थन भी मिल रहा है, जबकि बिल के पास होने में सपा राह का रोड़ा साबित हो रही है। समाजवादी पार्टी के नेता लगातार बिल का विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस ने लोकपाल बिल का समर्थन करने के लिए अन्ना का शुक्रिया भी अदा किया और लोकपाल बिल को लेकर बना ये त्रिशंकु कैसे टूटेगा ये तो पता नहीं, लेकिन इन सब के बावजूद सही और कारगर बिल अगर पास होता है तो ये सही मायने में जनता के हित में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज। और हम अपने अतिथियों से चर्चा को आगे बढ़ाएं, इससे पहले हम आपको बता दें उसकी थोड़ी सी भूमिका भी हमको आपको बताते चलें कि क्या क्या जन लोकपाल बिल पर आज राज्यसभा में हुआ। सभी पार्टियां इस पर राजी हुई लेकिन बुझे मन से, और उन्होंने हामी भी भर दी, लेकिन समाजवादी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी रही जिसने इस बिल का खुलेआम विरोध किया। समाजवादी पार्टी का सवाल है कि क्या लोकपाल को छोड़कर देश में सभी भ्रष्ट हैं?
लेना है परसाई मुनसिफ का इम्तिहान, हम भी खड़े हैं गुनहगार की तरह। जी हाँ, ऐसी ही कुछ मिलती जुलती राय है यूपी में सत्ताधारी सपा की लोकपाल के बारे में। सपा का मानना है कि जो संशोधित बिल राज्यसभा में पेश किया गया है उससे हर मंत्री, विधायक, सांसद और अधिकारी हमेशा शक के दायरे में रहेगा। उसे बार बार अपने ईमानदार होने की सफाई देनी पड़ेगी, यानी एक लोकपाल ईमानदार और बाकी सभी में ईमान। जांच एक बार शुरू हो जाए, चाहे आप निर्दोष साबित हो जाए, चाहे निर्दोष साबित हो जाए, लेकिन जनता की निगाह में वो आदमी बेईमान हो जाता है। जिसके दरवाजे सीबीआई चली जाए, चाहे वो बिल्कुल निर्दोष साबित हो, लेकिन ये मान लिया जाता है कि वो तो बेईमान है, ये प्रचार शुरू हो जाता है। तो ये स्थिति आप देश के सामने लाना चाहते हैं, ये मान के चल रहे हैं कि हर नेता बेईमान है, लोकपाल ईमानदार है और सारे के सारे लोग ईमानदार है, सारे के सारे लोग बेईमान है, लोकपाल केवल ईमानदार। सपा का ये भी कहना है कि जो लोकपाल चुना जाएगा वो आम लोगों के बीच से होगा, और कौन इस बात को तय करेगा कि चुना गया लोकपाल बिल्कुल ईमानदार है। लेकिन वहीं सपा के कट्टर प्रतिद्वंदी बसपा संशोधित लोकपाल के हक में खड़ी है। बसपा का साफ तौर पर कहना है कि हमारी जो मांग थी बिल में, करीब करीब वो सारी मांगे शामिल है, इसलिए हम बिल के पास होने के हक में है। और मीडिया को चाहिए कि वो जनता में ये तासुर पेश न करे कि बसपा लोकपाल के खिलाफ है। उधर रालीगंज सिद्धी में भी सियासी रंग तेजी से बदल रहे हैं। जो अन्ना हर मंच पर कांग्रेस को कोसते नजर आते थे, आज वही कांग्रेस के युवराज राहुल की तारीफें कर रहे हैं। अब ये तारीफ है केजरीवाल के रंग को फीका करने का एक खामोश दांव, क्योंकि लोकपाल नाम को आम जनता के कानों तक पहुंचाने वाले अन्ना ने जिस संशोधित बिल को मंजूर कर लिया, उसी बिल को अन्ना के मंच के सदके में अपनी पहचान बनाने वाले केजरीवाल ने जोकपाल बता दिया। केजरीवाल को डर है कि कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अन्ना के समर्थन से बिल पास कराकर उसके हाथ से तुरुप का इक्का ना छीन ले। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज। और कभी हाँ कभी ना की स्थिति बनी रही राज्यसभा में। लोकपाल बिल आखिरकार पास हो गया, क्या गणित रहा, कैसा गणित रहा, किसने किस पर दबाव क्या लाया, कौन सी पार्टी क्यों अपनी सहूलत से लोकपाल बिल के पक्ष में आई और क्यों समाजवादी पार्टी इस पूरी व्यवस्था के खिलाफ खड़ी नजर आई, इस इन सारे पहलुओं पर हम बात करेंगे। हमारे साथ योगेश वर्मा जी हैं, हमारे साथ अशरफ आजमी साहब हैं, और हमारे साथ जुड़ेंगे महादेव शेलार जी और आम आदमी पार्टी के समन्वयक प्रफुल्ल वोरा। अब बात समाजवादी पार्टी के अशरफ आजमी साहब से शुरू करते हैं, क्योंकि उन्होंने ही उनकी पार्टी ने इस विषय पर एक अलग भूमिका निभाई है। अशरफ आजमी साहब, आपका और योगेश जी का बहुत बहुत स्वागत है। बात हम कर रहे हैं इस बिल की जो पास हो गया, लेकिन पूरे देश में क्या एक लोकपाल के विरोध में समाजवादी पार्टी को ही यह भूमिका अपनानी थी, और अगर ये अपनाई तो उसके पीछे के कोई ठोस कारण भी दे सके आप लोग? देखिए, इस मुल्क को आजाद कराने से लेकर आज 65 साल के तवील सफर के बाद एक वातावरण जो पैदा हुआ इस देश के अंदर, और ये बताने की कोशिश शुरू की गई कि ये देश जो लोग चला रहे हैं वो सारे लोग भ्रष्ट हैं, जो लोग इस व्यवस्था को एडमिनिस्ट्रेशन की तौर पर चला रहे हैं वो सारे लोग भ्रष्ट हैं। एक तरह से पूरी एक मीडिया ने भी इसको बहुत ज़्यादा उठाया और ये कहा कि भाई ये सारे लोग भ्रष्ट हैं, इस तरह की भ्रष्टाचार हो रहे हैं। मैं आपको बताऊँ, अगर भ्रष्टाचार की आप बात करेंगे तो सबसे पहले जो है एक जीप घोटाला हुआ था 1956 में, मैंने पढ़ा है कहीं, और उसके बाद ये देश में वक्तन फोक्तन इस तरह के हालात पैदा हुए। लेकिन आज जो हमारे नेता ने जो बात रखी राज्यसभा के अंदर, उन्होंने बड़ा स्पष्ट ये कहने की कोशिश की है कि लोकपाल जो आएगा, वो क्या किसी के दबाव में नहीं होगा। आज आप देख लीजिए कि जो व्यवस्था है इस देश की, उस व्यवस्था में मैंडेट मिलता है, मैंडेट के तहत जो लोग आते हैं वो यहाँ अपना काम करते हैं, और अगर वो काम नहीं कर पाते तो वो नकार दिए जाते हैं और अगला मैंडेट जिसके नाम पे यानी आते हैं। यानी एक अलग भूमिका आप लोगों ने ली कि लोकपाल भी तो आखिर इसी समाज से आना है, इसी भीड़ से आना है, इन्हीं में से किसी को आना है, तो अगर सब कुछ सारा कुछ भ्रष्ट है तो वो लोकपाल कितना भ्रष्टाचार से लिप्त नहीं होगा। लोकपाल की, हाँ जी, लोकपाल की जो कहानी है जी, वो लोकपाल की कहानी शुरू होती है 1956 के बाद। उसी वक्त देश के लोगों ने तय किया था, जिन नेताओं का प्रभाव था पूरे हिंदुस्तान पर, जिन नेताओं ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, जिन लोगों ने संविधान बनाया,
वो सारे लोग आज के लोग ये समझाना चाह रहे हैं देश को कि वो जो भी लोग थे, जो भी उन्होंने किया, वो उतने काबिल नहीं थे जितने आज के लोग हैं। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि देख लीजिए, आप बोफोर्स की बात कर लीजिए, मैं आपको ये बताना भ्रष्टाचार की एक लंबी लंबी फहरिस्त है इस देश में, अशरफ साहब, इसमें बहुत लंबी फहरिस्त है भ्रष्टाचार की। और शायद इसी भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लोगों को लगा कि जन लोकपाल आना चाहिए और इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए संसद के माध्यम से। अन्ना ने एक लंबा आंदोलन चलाया, बहुत सारे लोग इससे जुड़े, बहुत गतिरोध आए इस मामले में। भारतीय जनता पार्टी की भूमिका हमारे पास योगेश जी रखेंगे। योगेश जी, एक पूरे देश में जिस तरह का वातावरण बना, और इसी आंदोलन की देन है कि दिल्ली में एक ऐसी पार्टी के ने जो इमर्ज हुई केजरीवाल के रूप में, आम आदमी पार्टी के रूप में, वो इसी आंदोलन के सदके में आए, जिन्होंने आपके भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को कहीं ना कहीं दिल्ली में रोका, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के विजय रथ को जाकर दिल्ली में रोका। ऐसे में आपको लगता है कि जितने गतिरोध आए थे वो सब अब खत्म हो गए, क्योंकि जिस जन लोकपाल की लड़ाई आम आदमी पार्टी लड़ रही थी वो आंदोलन फिर से अन्ना ने शुरू किया और दबाव में कांग्रेस और सभी दल सहमत होकर इस बिल को ले आए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहां खड़ा पाती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात से थोड़ा वाकिफ नहीं हूं कि केजरीवाल और अन्ना सिर्फ यही भ्रष्टाचार के लिए लड़ रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध में सबसे जबरदस्त लड़ाई लड़ी। जी, मैं आपको भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने था योगेश जी, ये हुआ ये कि भारतीय जनता पार्टी शायद ऐसा हुआ कि जब भारतीय जनता पार्टी आंदोलन चला रही थी तो लोगों ने उसमें राजनीति देखी, अन्ना ने जब आंदोलन चलाया तो उसे आम आदमी का आंदोलन कहा गया और उसी से केजरीवाल का उदय हुआ। नहीं, ऐसा तो शायद आपकी पार्टी को या अन्य विरोधी पार्टियों को, क्योंकि कांग्रेस पर हमले लगातार भ्रष्टाचार को लेकर हो रहे थे, आपकी पार्टी को लोगों ने शायद उसमें राजनीति तलाश ली और उतना महत्व ना दिया। नहीं, सलमान भाई जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ जबरदस्त रूप से लड़ी, चाहे वो बोफोर्स का घोटाला हो, चाहे उसके बाद में कोयले का घोटाला हो, उसके बाद में कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला हो, इतना जबरदस्त भारतीय जनता पार्टी ने उसका माहौल बनाया। विदेशों में से काला धन हिंदुस्तान में वापस आना चाहिए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त संघर्ष किया। गत एक साल से जिस प्रकार से अन्ना जी के आंदोलन को और एक मीडिया का एक हाइप मिला, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी नंबर एक का दल दिल्ली के अंदर बन के आई। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इतना ज्यादा संख्या में चुन के आने के बावजूद भी, और आप सब लोगों ने तय किया है कि उसका श्रेय जो है वो आम आदमी पार्टी को देना है, तो ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अन्याय होगा। जी, ये जन लोकपाल के लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत समय से संघर्ष कर रही थी। आपने हमेशा, मैं देखता हूं चुनाव का जिस दिन रिजल्ट था उस दिन भी आप लोग पूरे दिन भर वो झाड़ू दिखाते रहे, आम आदमी पार्टी दिखाते रहे, पर आपने भारतीय जनता पार्टी की विजय को, जो आम आदमी पार्टी से भी कई ज्यादा सीटें लेकर के आज नंबर वन की पार्टी दिल्ली में है, उसको आप नकार के, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आप खुद अन्याय कर रहे हैं? ठीक है, अन्ना के आंदोलन को उस वक्त एक समर्थन मिला क्योंकि नए किस्म का आंदोलन था, कुछ स्टूडेंट्स उस आंदोलन के साथ जुड़े, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसका समर्थन किया। भारतीय जनता पार्टी ने इसके अंदर सजेशन, ऑब्जेक्शंस दिए और विधान पर लोकसभा में पारित होने के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का इसके अंदर सहयोग रहा, विधान परिषद के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ने इसकी जबरदस्त और मांग रखी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये कभी कभी बिल ऐसा है कि सारा कांड करने वाली कांग्रेस अब जाते समय और बाकी लोग को परेशान करने के लिए एक नया हथियार देकर के जा रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी इतना बड़ा भ्रष्टाचारी कांग्रेस, उसको इसकी सजा मिलनी चाहिए थी। कांग्रेस ने पांच साल में कुछ भी नहीं किया, कांग्रेस ने पांच साल में कुछ भी नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस को कहा कि वो इतना सारा अनाज, लगभग 40,000 टन अनाज इस देश में सड़ रहा है, इसको बांट दो, तो कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि हम ऐसा बांटेंगे नहीं, लेकिन फूड का बिल लेकर के आई। मतलब क्या है कि जो काम है वो काम नहीं करना। इतनी सारी एजेंसी है, उससे पहले भी बनी हुई है, एंटी करप्शन एजेंसी बनी हुई है, विजिलेंस एजेंसियां बनी हुई है, ये बनी हुई, उनको इफेक्टिवली उपयोग न करते हुए, सीबीआई का अपने लिए उपयोग करते हुए पूरे का पूरा शासन चलाया कांग्रेस ने। और अब ये जन लोकपाल ला करके कांग्रेस ने उसके अंदर एक हल्का सा बैंडेड लगाने का काम किया है, खुद ही के भ्रष्टाचार, खुद ही सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी
और उस बिल को इंट्रोड्यूस करने के बाद में और उसका श्रेय लेने का काम कुछ इस तरह कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस ले आई है और कांग्रेस अन्ना ने उसे समर्थन दे दिया है। कांग्रेस इस बिल को ले आई है। कांग्रेस चाहती है कि जो खामियाजा उसे पिछले चुनाव में देखना पड़ा इसकी पूरी क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी और अन्य दल न ले जाने पाए। कहीं ना कहीं जो आरोप लग रहे हैं कांग्रेस पर कि वो अन्ना के साथ मिलजुल कर इस बिल को ले आई है, ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं जीतती हुई नजर आ रही है। नहीं, बाकी नहीं, सभी पार्टियां मैं आपसे एक तरफ हाशिए पे चली गई है। सलमान भाई बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, आपकी बात ऐसी स्थिति नहीं है। आप ही की प्रेस और एक मीडिया, आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि जो जो चीजें जितने आंदोलन भारतीय जनता पार्टी और अन्य विपक्षी पार्टियों ने किए उसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल रही, लेकिन जिस तरह का ये आंदोलन चला इस आंदोलन में अन्ना की भूमिका और अन्ना की भूमिका से उपजे केजरीवाल की भूमिका को जिस तरह से प्रचार प्रसार मिला, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उसमें 19 पड़ी। कहने का मतलब ये रहा कि ये आंदोलन हमारे साथ हम आते हैं योगेश जी आपके साथ, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के समन्वयक प्रफुल्ल वोरा जी भी है। प्रफुल्ल जी कहिए। प्रफुल्ल जी एक आखिर एक लड़ाई बहुत लंबी थी जो अन्ना के नेतृत्व में शुरू हुई थी। इस आंदोलन ने अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम के रूप में इस देश में एक क्रांति लाने का काम किया था। आखिर वो जन लोकपाल आज राज्यसभा में पास हो गया और लोकसभा में दस्तक दे रहा है जी। अब बताएं कि ये लोकपाल सचमुच लोकपाल है या जैसा कि आपके नेताओं ने कहा ये जोगपाल है, क्या है ये? मेरे ख्याल से ये जो बैलगाड़ी है जिसके ऊपर मर्सिडीज का लेबल लगा है, जोगपाल तो नहीं कहना चाहिए जी, मगर ये बैलगाड़ी है जिसके ऊपर मर्सिडीज बेंज का लेबल लगा है। जरा ये सभी ये 30 साल से काम चल रहा है। अब भाजपा कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी कुछ कह रही है, कांग्रेस कह रहे हैं कि सब चाहते हैं कि भ्रष्टाचार बंद हो, और उसके ऊपर 30 साल क्यों लग रहे हैं? और हमारे भाजपा के मित्र कह रहे हैं कि उन्होंने काफ़ी खुलासे किए हैं, स्कैम्स होते रहे हैं। मगर मैं यही उनको पूछना चाहता हूँ कि अगर ऐसा था तो बीच में वो राज्यसभा में गए साल में क्यों नहीं पास करवाया, क्यों 100 प्रकार के अमेंडमेंट डाल दिए गए उसमें? अभी यही सशक्त लोकपाल तो बाजू में रह गया, ये तो एकदम दुर्बल चीज लाई है, वो तो गए साल में भी पास हो सकती थी, एक साल का विलंब क्यों? भारतीय जनता पार्टी ने उसके अच्छाई के लिए, भारतीय जनता पार्टी खुद करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी खुद भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। आप तो बहुत अभी नए हैं इसके अंदर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत शुरू से इसके अंदर लड़ाई लड़ रही है। आप उसका क्रेडिट लेकर जा रहे हैं क्योंकि आप अभी मीडिया के सामने आ गए और भारतीय जनता पार्टी के कितने सारे कार्यकर्ताओं ने अपनी जान गंवाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने में, और अभी अभी आपने आकर के थोड़ा सा इसको और ये भी बिल चलिए ये भी देखिए ये भी देखिए कितना बड़ा घुमाव एक टर्न है राजनीति का कि अन्ना और केजरीवाल का अन्ना और केजरीवाल के आपस के डिफरेंसेस की वजह से एक व्यक्ति कांग्रेस के पास चला गया और एक उसके विरोध में चला गया। योगेश जी बोल लेने दे, सलमान जी ये तो हमें बोलने नहीं दे रहे जी। प्रफुल्ल जी बोलिए। अरे ये कह रहे कि हम नए आए हुए हैं, अरे हम भारतीय नागरिक है, मेरे 65 साल पूरे हो गए, हम कोई नए नहीं है, 65 साल से झेल रहे हैं जो भ्रष्टाचार ये सरकार अलग अलग सरकारें कर रही है, हम कोई नए नहीं है इसमें, आम आदमी कोई नया नहीं है। यानी आम आदमी के रूप में आम आदमी था, उसे एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म के रूप में तब्दील किया आप लोगों ने, और अरविंद जी की और टीम उनके साथ अन्ना के नेतृत्व में ये काम 3 साल से शुरू हुआ इसलिए पूरा हुआ, लेकिन भाजपा के कारण से जी। देखिए अब दोनों, अब मैं रोकना चाहूंगा प्रफुल्ल जी आपको भी, योगेश जी हमारे साथ, हमारे अपने संवाददाता दिल्ली से चैनल वन के हमारे साथ में रशीद खान साहब है। रशीद खान साहब जी, हम कोशिश करेंगे उनसे संपर्क करने की, आवाज उन तक शायद नहीं पहुंच पा रही है। बात प्रफुल्ल जी कर रहे थे अन्ना जी की, अन्ना जी के नाम पर जिस तरह का आंदोलन हुआ था प्रफुल्ल भाई जी, वो आंदोलन कहीं ना कहीं खटास में तब्दील हो गया तब जब केजरीवाल ने राजनीति में पदार्पण कर लिया जी। इसीलिए आज जब वो जन लोकपाल पास हुआ है, तमाम पार्टियां आम सहमति बनाने में जुटी थीं, ऐसे में मात्र दो दल ऐसे हैं, एक नया जिसे योगेश जी आपके दल को नया बता रहे थे, आपको नहीं, वो नया दल यानी आम आदमी पार्टी अपने कारणों से और समाजवादी पार्टी न जाने किन कारणों से इस बिल के विरोध में नजर आ रही है। आपका अपना तर्क है कि आप लोगों ने उसमें कुछ
जो जैसा आपने एक उदाहरण देकर कहा है कि बैलगाड़ी को मर्सिडीज का ये लगा दिया गया है, लेबल लगा दिया गया है, तो उसके पीछे आपको क्या कारण लगते हैं कि ऐसा किया गया? कहां आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी की वो बात नहीं मानी गई और कहां केजरीवाल अपने आप को हतोत्साहित इस पूरे बिल से महसूस करते हैं? देखिए, 5-6 पॉइंट है, अभी उसका पूरा विवरण में अभी टाइम हो तो मैं करूं, आपकी इजाजत चाहता हूं। नहीं, संक्षेप में बताएं। हाँ, सरसरी चीजें जी। एक तो अकाउंटेबिलिटी की बात है, इंडिपेंडेंस की बात है जी, और फिर उसके आगे ये जो सिटीजन चार्टर जो होना चाहिए था जी, और लोक आयुक्त जो होना चाहिए था उसमें कुछ हुआ नहीं, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, और अगर किसी के खिलाफ किसने कंप्लेन की हो उसके खिलाफ पता लगाया जाए कि ये कंप्लेन ठीक नहीं थी तो 1 साल या 5 साल की सजा हो सकती है, मुझे पता नहीं, शायद 1 साल है या 5 साल है। यानी ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो उसमें शामिल किया जाना था, नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। प्रफुल साहब, मैं जहां तक स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ, महादेव शेलार साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महादेव शेलार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शेलार साहब, कांग्रेस पार्टी ने काफी उहापोह के बाद, काफी इससे पहले भी बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं, जैसे दाभोलकर की हत्याकांड के बाद ये बिल फिर से तेजी से पास कर दिया गया, जादू टोने वाला, फिर इस तरह ले आए और इसको ले आया गया, इसमें काफी विरोध हुआ। अब जब दिल्ली में सत्ता गंवाने के बाद कांग्रेस जागी और सभी आम सहमति की भूमिका बनी और आज राज्यसभा में वो बिल पास हो गया, अगर इसी बिल को इसी अंदाज में पास होना भाई था साहब, जी शरार साहब, भाई साहब दिल्ली में सत्ता गई इसलिए हमने लोकपाल बिल पास किया, आपका ये कहना सही नहीं है जी। इसके पहले भी हमने कई बार सभा, हमारी सत्ता गई है, और आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जब हमें न्यूक्लियर करार करना था, अनुकरण करना था, तब हमने हमारे सरकार की सत्ता की परवाह नहीं की, हमने अपने सरकार को स्टेक पे लगाया, देश के हित के लिए जो जो चीजें है उसे उस कोई तरफ हम सत्ता नहीं देखते, हम भारत के नागरिक का विकास देखते हैं। अब मैं क्या बोलूं, दूसरे अभी कई लोग आते हैं, देखे तीर पर बैठकर तैरना सिखाना बहुत आसान है, लेकिन पानी में गिरकर तैरना आना और तैरना करना वो बहुत मुश्किल बात है। तो ये कांग्रेस पार्टी ने पहले से ही, जब अन्ना हजारे जी जो पार्नेर से है, राणेगंज सिंह से, वो जमीन से जुड़े हुए, उनको मालूम है कहाँ तक रस्सी खींचनी चाहिए, कहाँ तक कुछ करना चाहिए, तो उन्हें जिन्होंने ये मूवमेंट चालू की उनको ये बिल पसंद आया, और सरकार हमारी जो सरकार है सपुआ की, पहले से उन्होंने अपने अच्छे अच्छे मंत्री उसके ऊपर डेप्यूट किए, अन्ना साहब के साथ उसका बातचीत की, तो हम भ्रष्टाचार के खिलाफ ही है कांग्रेस पार्टी, और एक सशक्त बिल लाना चाहते थे, वैसे बिल हमने लाया, और इसको देर क्यों लगी इसकी भी बात आपको बता रहा हूं मैं, कि जो ये जो बिल लोकसभा में पास होती है उसके बाद में राज्यसभा में जाती है, किसने क्या कही, कभी किसने विरोध किया, ये भी आपको मालूम है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने हमें साथ दिया, अभी दो ही पार्टी, ये आप पार्टी और समाजवादी पार्टी, यही लोग रोक लगा रहे हैं, बाकी सब लोगों ने इसको पास किया, ये देश के हित की चीज है, कांग्रेस भ्रष्टाचार के खिलाफ है, हमारे नेता सोनिया जी, राहुल जी, इन्होंने हर बार आगे आके पॉजिटिव रोल लेके ये बिल होना चाहिए, लेकिन जो अपनी संविधान है, जो घटना है, उसके अनुसार उसके मुताबिक ये होना चाहिए, वो जो चौकट है फ्रेम, वी कांट ब्रेक दैट फ्रेम, अकॉर्डिंग टू दैट फ्रेम वी हैव पुट द बिल एंड इट इज सैंक्शन। और अभी आप बोल रहे हैं कि दिल्ली की सत्ता गई इसलिए किया, ऐसा कुछ नहीं है, इसके पहले भी आपको मैं बहुत उदाहरण दे सकता हूं कि हम अपनी सत्ता के बारे में नहीं सोचेंगे, हम अपने भारतीय जनता के बारे में सोचेंगे। जो चीज राहुल गांधी ने जो पहल इस बिल पर देर से की, अन्ना को पत्र लिखा, अन्ना के पत्र का जवाब दिया, अन्ना ने उनकी तारीफ की, भूमिका जिस तरह से बनी योगेश जी की, उस बात में बहुत दम है कि आम आदमी पार्टी और अन्ना हजारे के आंदोलन कहीं ना कहीं ज्यादा लाइमलाइट में आए, भारतीय जनता पार्टी और अन्य विरोधी दल कहीं पीछे छूट गए, इस आंदोलन को जनता तक ले जाने में तो नहीं कह सकते, लेकिन जनता ने अलग नजरिए से देखा, दिल्ली में अलग देखा, अन्य जगहों पर अलग देखा, जहां जहां
जहां जहां लगे। हम आते हैं आज दिल्ली की परिस्थितियों पर बात करने के लिए। हमारे साथ रशीद खान साहब, हमारे अपने संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रशीद खान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रशीद भाई, क्या आज शुक्रिया क्या आज आखिर राज्यसभा में बिल पास हो गया? जिस तरह की परिस्थितियां बनी थी दिल्ली में, क्या हालात थे? राजनीतिक उठापटक कितने उफान पर थी? राजनेताओं के बयानात देखने के बाद समझ में आता है कि इनमें कहीं ना कहीं एक छटपटाहट थी कि ये ना आने पाए, फिर भी मजबूरी में आया, वो अन्य का दबाव रहा। क्या रहा, कैसा रहा ये सफर, संक्षेप में बताएं रशीद साहब। शायद रशीद खान साहब से हमारा फिर संपर्क टूटा। कुछ योगेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए आप, ये बहुत बड़ा कांग्रेस की साजिश फिर से इसके अंदर मुझे तो दिख रही है। किस प्रकार से बहुत दिनों से ये लोग अन्ना के आंदोलन को तोड़ने के लिए काम में लगे हुए थे, जैसे ही अन्ना के और अरविंद केजरीवाल के डिफरेंसेस सामने आने लगे, उसको किस प्रकार से भुनाते हुए इन्होंने अन्ना का सपोर्ट लेकर के और ये इस तरह का काम किया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। क्यों बहुत दुर्भाग्य, आप कोई आतताई रोल लेते होंगे तो डिफरेंस होंगे ही ना। उठाते हुए और आप और समाज को और देश को दिए हुए जख्मों के ऊपर ये लोकपाल का जो ये कांग्रेस ने मरहम लगाने का काम किया है, आने वाले दिनों में लोग कांग्रेस का जिस प्रकार का राज रहा है, अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि कांग्रेस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, ये तो मुझे लगता है कि जोक ऑफ द डे है कि कांग्रेस किस प्रकार से और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है। अरे अगर आप भ्रष्टाचार करते ही नहीं तो ये लोकपाल लाने की जरूरत ही नहीं थी। ये लोकपाल तो इसीलिए लाए ताकि भ्रष्टाचार को काबू में कर सके, और भ्रष्टाचार करने वाले कौन? तो केंद्र की सरकार। भ्रष्टाचार करने वाली कौन? तो राज्य के कांग्रेस की सरकार। अरे महाराष्ट्र के अंदर आपको कभी जनता ने स्वीकार ही नहीं है, तो आपको सत्ता ही नहीं आई तो आप क्या बात कर सकते हो? मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है आपको। देखिए इसके अंदर उंगली कटा के शहीद होने वाली स्थिति कांग्रेस अपने आप को बता रही है। इसका मतलब अगर इसकी भ्रष्टाचार की फहरिस्त देखी जाए 47 से लगा करके आज तक, तो मुझे लगता है कि कई सारे छोटे देशों का बजट बन सकता है। और उस बजट इतना पैसा ये लोगों ने आज कुछ दिनों पहले फोर्ब्स पत्रिका के अंदर और पूरे विश्व की और 10वीं 11वीं पैसे वाली योगेश भाई नेत्री अगर कोई होगी तो सोनिया गांधी का नाम लेता साल की उम्र है। योगेश जी को यदि भारत की घटना की मालूमत नहीं है तो ये क्या करेंगे? पहले ये है कि अन्ना और केजरीवाल का डिफरेंस हुआ ही क्यों? भ्रष्टाचार की घटना मतलब आप जमीन से जुड़े आदमी नहीं हो? भ्रष्टाचार की घटना कांग्रेस ले रहे हो उसके वजह से ये अन्ना ने आपसे छोड़ दिया। महादेव जी मैं क्लियर कर दूं, जुड़े हुए आप नहीं हो। महादेव जी ये भारतीय जनता पार्टी के योगेश जी बोल रहे थे। कुछ नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के योगेश जी बोल रहे थे। नहीं नहीं, ये आम आदमी पार्टी के प्रमुख साहब ये बात कर रहा हूँ कि अच्छा ठीक है, लेकिन हमारा भी राय ऐसा है कि ये हमारी राय है कि ये देश के भ्रष्टाचार समूह संपुष्ट में आ जाए, इसके लिए तो आरटीआई उनको योगेश जी को पूछे, आरटीआई भी लाया हमने। कांग्रेस जी मुझे बोले तो आपका देखिए एक और मैं बहुत बड़े षड्यंत्र की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस के जितने भी अलायंस हैं चाहे वो समाजवादी पार्टी रही हो चाहे बीएसपी रही हो, आपको सैनिकों के शव पेटियों के ऊपर का खाने वाले लोग आप मत बोलो, मुझे बोलने दो बाद में आपको संधि दूंगा। तो भ्रष्टाचार के बारे में आप भी मत बोलो, हर पार्टी में जो कुछ गलत काम करते हैं उनके खिलाफ कांग्रेस है, इसके लिए आरटीआई लाया और उसके जरिए हमारे कोई भी नेता मिले तो हमने उसको छोड़ा। देखिए मैं आप लोगों के पास आता हूँ, माधव जी कुछ राष्ट्रीय नेताओं के जो नहीं नहीं इनको इनको मैं बोल रहा हूँ, मैं आता हूँ आप लोगों के शव पेटियों के खाने वाले ये लोग। देखिए ये जिस तरह के आरोप नहीं उठा सकते माधव जी, जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे दलों पर लगाए गए शायद उसी का ये नतीजा निकला। माफ करेंगे प्रफुल्ल साहब मुझे कि मैं तो सकारात्मक भूमिका से बात कर रहा था जी, सकारात्मक बोले मैं उसी पर, कांग्रेस को इसके ऊपर बोलने का अधिकार ही नहीं है, कांग्रेस वो अधिकार ही खो चुकी है। मैं उसी पर ये तो ऐसी स्थिति में आई कि अगर कांग्रेस ये लोकपाल का बिल इंट्रोड्यूस नहीं करती तो ऐसा होता था कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में योगेश जी माधव साहब कुछ और लोग भी जो राष्ट्रीय नेता है
मैं जो कहना चाह रहा हूं कि ये भ्रष्टाचार के आरोपों प्रत्यारोपों की देन है कि जैसा कि पिछले कुछ शोज में मेरे साथ में मयंक गांधी जी रहे, खुद प्रफुल्ल जी रहे और अन्य लोग मेरे साथ आम आदमी पार्टी के जुड़े, उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ इस तरह का होता तो शायद हम लोग राजनीति में होते ही नहीं, राजनीति में ये लोग आए शायद इन्हीं आरोपों प्रत्यारोपों की देन है। आत्मचिंतन की आवश्यकता कांग्रेस सहित सभी दलों को है। इस पर हम आते हैं, अशरफ साहब बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे, हम उन पर भी आते हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ राष्ट्रीय नेताओं के वो बयान दिखा देते हैं जो राज्यसभा में उन्होंने कहे, जैसे रामविलास पासवान और रामकृपाल यादव जैसे लोग, कुछ आरजेडी और आरजेएलडी से जुड़े हुए कुछ लोग हैं, बिल पर उन्होंने क्या कुछ कहा अपने अंदाज में वो हम आपको दिखाते हैं और फिर लौटते हैं, चर्चा को जारी रखेंगे। लोग जो है ये बाबाई लुटने के लिए, एको हम द्वितीयो नास्ति, एक हम ही ईमानदार हैं और बकिये सब बेईमान हैं, ये हालत क्या कहते हैं कि हम समझते हैं कि नहीं होना चाहिए, और ये हालत क्या कहते हैं कि ये कॉन्सेप्ट जो बनता जा रहा है लोकपाल के संबंध में कि सब अफसर बेईमान हो गए, क्लास फोर से लेकर क्लास वन तक के अफसर सब पॉलिटिशियन बेईमान हो गए और वहां जो बैठेंगे वो गंगोत्री बन जाएंगे, दूध का धोया हुआ कि वहां से गंगा निकलेगी और पवित्र होगी, ये समय बताएगा। हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं दिल से सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं हाँ सच्ची बात कहता हूं, मैं इसे दिल से सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। हमारे अंदर में कहीं ना कहीं भय है, सब लोगों के मन में डर है इसका रिपरकशन क्या होने वाला है। लेकिन एक हम लोग कहानी सुनते थे एक लंगड़ा राजा का कि उसको देवलोक से आया कि कपड़ा बढ़िया देवलोक का पहन लो और फ्रॉड निकला, और जाकर के उसको कपड़ा दिखला दिया, उसमें कुछ नहीं था, उसने कहा कि देखो इस कपड़ा को वही देखेगा जो अपने असली बाप का बेटा होगा। राजा को दिखलाया, कहा कैसा लगा हुजूर, तो राजा ने कहा कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर डर लगा कि कह दे कि कपड़ा नहीं है तो कहेगा कि असली बाप का बेटा नहीं है, हो सकता है कोई डाउटफुल हो। उसने कह दिया सर बहुत बढ़िया कपड़ा है, बहुत बढ़िया। फिर प्रधानमंत्री के पास, मंत्री के पास में चला गया, कैसा कपड़ा है, उसने भी कह दिया कि राजा। सदन गंभीर चर्चा कर रहा है, इसके पहले भी लोकपाल बिल आया था, हमारी पार्टी की सहमति थी और मैं समझता हूं कि आज भी आशंकाएं हैं कि इस लोकपाल का कहीं दुरुपयोग ना हो, जैसा कि रामविलास जी ने कहा। मैं चाहूंगा माननीय मंत्री जी, लोकपाल में अच्छे लोग आए, 9 सदस्यीय लोकपाल होगा, उसके चेयरमैन होंगे, 8 सदस्य होंगे, वो एग्जाम्पल बने, ऐसा जरूर प्रयास करना चाहिए एक मापदंड बनाकर। कैसे आप वो करेंगे, चूंकि वो सबके ऊपर बड़ा लोकपाल हो जाएगा, पार्लियामेंट के ऊपर, माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर, सारे अधिकारियों के ऊपर। कानून तो पहले से विराजमान है और जब जब कानून हम बनाते रहे हैं, भ्रष्टाचार देश के सामने एक बड़ी समस्या है, मैं इस बात से सहमत हूं, सदन भी सहमत है। मन महोदया, क्या उस कानून बनाने के बाद हमने सोचा था इसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा और भ्रष्टाचारियों को हम नहीं पकड़ सकेंगे? आज लोकपाल बनाने के लिए हम बाध्य हो रहे हैं। रामविलास पासवान और रामकृपाल यादव जी के हम बयान दिखा रहे थे, दोनों बिहार के आरजेडी और रामविलास पासवान अपनी खुद की पार्टी के मुखिया हैं। आपने देखा जिस तरह के बयान थे, कहीं ना कहीं अशरफ साहब एक शंका जो उन्हें नजर आ रही है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है, हर कानून बनने के पहले कहीं ना कहीं ये आभास लोगों को लगता है। राजनेता हैं ये, देश चलाने वाले लोग हैं, जो संसद में बैठे हुए लोग हैं, ये खुद बेमन से एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और दुखड़ा भी रो रहे हैं। ये अंदाज अगर राजनेताओं का है तो शायद इस मामले में अगर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी सहित दलों ने इसमें पहल कर इसे लाने का काम किया है तो ऐसे दलों के बीच समाजवादी पार्टी जरूर साधुवाद की पात्र है, क्योंकि उसने अपनी बात भी रखी और विरोध भी किया, खुलेआम विरोध किया। अगर नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है, लेकिन जब देख रहे हैं कि देश में इसके पक्ष में बयार चल रही हो तो धारा के विपरीत बहकर क्या समाजवादी पार्टी अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मार रही है? एक सच्चाई का प्रतीक बने हम लोग आज, देश के 100 करोड़ लोगों ने देखा, 125 करोड़ लोगों ने, कि जो बात थी हमने स्पष्ट रखी। जहां तक लोकपाल के बिल लाने की बात है, ये उस वक्त नहीं लाए जब 1984 के बाद जो है ये पूरी तरह से इनके पार्लियामेंट इनके हाथ में थी। उसके बावजूद बहुत ऐसा वक्त आया जब लोकपाल नहीं आना था,
जो दशा बनी, जिस तरह से दिल्ली में, राजस्थान में, जिस तरह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इनकी हार हुई, इन्होंने सोचा कि जाते जाते कुछ ऐसा करके चले जाएं कि लोग हमारी चर्चा करने लगे। लेकिन ये उसी तरह हुआ कि एक वेंटिलेटर में रखा हुआ शख्स जो है मौत के करीब खड़ा है और उसमें जान डालने की कोशिश की जा रही है। अब हमने विरोध क्यों किया, ये आपके माध्यम से हम देश को बताना चाहते हैं कि इसमें विरोध का जो मामला था, हमने ये कहा कि भाई जिन लोगों ने इस देश का संविधान बनाया उन्होंने सारे अच्छे कानून बनाकर रखे, उसका इस्तेमाल, उसका प्रयोग करने की बात करवाई। लेकिन मुद्दा वहां आया जहां पर जिनके हाथ में वो इस्तेमाल होगा। मैंने ये पहले भी कहा कि अगर देश बनता है, अगर सरकारें बनती है तो देश बनाता है, और देश जिनको मैंडेट देता है वो नहीं करते हैं तो दूसरे लोग आते हैं। यही प्रजातंत्र की सबसे खूबसूरत बात है और इसी पे दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी चल रही। अब मैं ये बताना चाहता हूँ, एक आदमी ने उठ के एक कंप्लेंट डाल दी किसी मिनिस्टर के खिलाफ, किसी एमपी के खिलाफ या किसी अधिकारी के खिलाफ, उसकी इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। उस इंक्वायरी के बाद उसके परिणाम जो भी हो, बेहतर हो ना हो, लेकिन एक तरह से लालचन होगा। हम इलेक्शन लड़ते हैं, जिन लोगों के सामने हम लड़ते हैं वो हमारे विरोधी होते हैं, वो हमको, जिसे मैं आपको बताऊं, मैं चुनाव जीत के गया, हम लोग चुनाव जीत के जाने के बाद मेरी वाइफ भी चुनाव जीत के गई, हम दोनों के खिलाफ जो है स्मॉल कॉजेस कोर्ट में एक केस चल रहा है कि हम लोगों ने गलत तरीके से चुनाव जीता। इस तरह की चीजें आएगी सामने। लेकिन आज मैं आपको ये जिम्मेदार बताना चाहता हूं कि कॉरपोरेशन में मैं हूं, सीवरेज लाइन के ऊपर, सीवरेज लाइन के जो प्रोजेक्ट चलते हैं, जो जिस तरह से निकासी होती है खराब गंदे पानियों की, उस पर 2011 में एक भ्रष्टाचार हुआ और 90 करोड़ रुपए का मामला सामने आया। 3 बरस हो गए, 3 बरस में हम चिल्ला रहे हैं कि भाई लाइए आप कॉन्ट्रैक्टर, लाइए टेंडर कराइए, ये जो सीवरेज लाइन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। 3 बरस के बाद जाके टेंडर आया और उस टेंडर में भी जो काम करने वाले लोग, जन लोकपाल आने के बाद शायद इसमें सख्ती हो। एक मिनट मुझे और बोलने दीजिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कौन लोग उसका निर्णय कौन लोग लेंगे, कौन वो शख्स होगा जो ये कहेगा कि इस देश के अंदर वो आएगा और वो ऊपर से आएगा और वो बैठकर कहेगा कि मैं किसी भी तरह की गलती नहीं कर सकता। देखिए एक बहुत सिंपल एक पॉइंट है कि ऊपर वाले की जात के अलावा या ऊपर की भगवान या अल्लाह की जात के अलावा कोई भी काम परफेक्ट नहीं है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कौन आएगा, जज आएंगे। जस्टिस गांगुली का मामला आपके सामने अभी आया और इस तरह की जो, लेकिन इस तरह आप टोपों के सौदे नहीं हो रहे, जहाज नहीं खरीदे जा रहे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री किसी फाइल पे साइन नहीं करते, एक आम आदमी त्रस्त होगा अशरफ साहब राजनीति करने के लिए। जो लोग, सर मैं एक मिनट और मिलूंगा, जो लोग राजनीति करने के लिए आए हैं, जो लोग ये बता रहे हैं, मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ, आम आदमी पार्टी की, सर 6 महीना इनको सत्ता करने दीजिए, जो इन्होंने प्रोमिसेस किए हैं ये पूरा कर लेंगे, इनको 5 साल करने दीजिए, ये कर ले, मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। लेकिन जो जैसे उन्होंने कहा कि फ्रेम के अंदर रहकर अपनी बात को करना, भाई ये मैं आया, मेरे सामने कोई आया, उसने अपनी दुखड़ी रोई और मैंने कहा कि भाई ये तो निर्दोष लगता है, इसको छोड़ दिया जाए। चलिए दिल्ली में किस तरह की गतिविधियां रही इस पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ रशीद साहब दोबारा जुड़े हैं। रशीद साहब जी बताएं, आज पूरे दिन जिस तरह से स्थितियां पलटती रही दिल्ली में, पहले जन लोकपाल पर आंदोलन हुए, जन लोकपाल के आंदोलनों के बीच केजरीवाल का जन्म हुआ, दिल्ली में चुनाव हुए, दिल्ली में उन्हें बड़ी अच्छी सफलता मिली, सरकार बन नहीं पा रही, ऐसे में एक जिन दोबारा अपनी पूरी शक्ति के साथ सामने आता है जन लोकपाल के रूप में, और इस बार सत्ता के विरोध में बात करने वाले अन्ना उसके समर्थन में नजर आते हैं, अन्ना को समर्थन देती कांग्रेस नजर आती है, बाकी सभी दल कहीं ना कहीं हाशिए पे चले जाते हैं, और ऐसे में जन लोकपाल के विरोध में बोलकर केजरीवाल पर भी उंगलियां उठने लगती हैं। क्या गहमा गहमी पूरे दिल्ली के वातावरण में रही, आप हमारे दर्शकों को बताएं। रशीद सिंह, देखिए इसमें दो चीज है सलमान, कि जिस तरीके से इस बार लोकपाल बिल को, हालांकि लोकपाल बिल कई सालों से आप देखें तो संसद में लंबित रहा, लेकिन उसको लेकर के सवाल उठते रहे, आंदोलन इतना बड़ा पूरा हो गया, आप आंदोलन जो थे वो राजनीतिक पार्टी में बदल गई, लेकिन उसके बाद फिर एक बार कांग्रेस को, क्योंकि 4 राज्यों का चुनाव, जो बातें हो रही हैं, जो एक राजनीति में एक गहमा गहमी है, इसको लेकर के भी कई सवाल उठे हैं, क्योंकि 4 राज्यों के जो चुनाव के नतीजे आए उसके बाद कांग्रेस को ये याद आया कि शायद कहीं ना कहीं वो गलती की, बड़े बड़े आंदोलन हुए उसको उन्होंने क्रश कर दिया, जनता से वो डायरेक्ट नहीं जुड़े, तमाम जनता से जुड़े ऐसे मुद्दे थे जिनको उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। इसी वजह से कांग्रेस आई को भी ये बात लगी कि एक लोकपाल बिल है उसको इस बार पास किया जाए, और इसी को लेकर के शायद कहीं ना कहीं इस बात की भी खबर है, सियासी लोग कह रहे हैं कि अन्ना हजारे को एक इशारा किया गया था, उसके तहत एक
अन्ना हजारे और कांग्रेस में कहीं ना कहीं ये बात हुई, उसी हिसाब से आंदोलन एक अनशन शुरू हुआ और उसके बाद एक पार्लियामेंट में इसको लाने की चर्चा भी हुई। और उसके बाद क्योंकि कल आप देखें तो हामिद अंसारी ने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, ऑल पार्टी मीटिंग में ये भी बात जन लोकपाल पे बात रखी गई लोकपाल बिल को पास करने की, और नेक्स्ट डे बीजेपी के तरफ से कोई उसमें बीजेपी का साफ कर दिया कि हमें लोकपाल को पास करने में कोई शिकायत नहीं है, कोई ये नहीं है, मैं चाहता हूं कि लोकपाल बिल को पास कर दिया जाए। रविशंकर ने यहां तक कहा कि लोकपाल बिल पे अगर बहस नहीं भी हो पाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन लोकपाल बिल को पास होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं देखिए जो चार राज्यों के चुनाव हैं, इसमें चुनाव में एक कांग्रेस को भी एहसास हुआ है और दिल्ली में जिस तरीके से बीजेपी, हालांकि 15 सालों में विपक्ष में रहने के बाद भी एक मेजोरिटी में नहीं आ सकी और सरकार नहीं बना सकी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ये ना कहे कि हम एक बड़ी पार्टी के तौर पर अगर 15 सालों में भी एक आंकड़े नहीं पूरा कर पाती है बीजेपी, तो कहीं ना कहीं उसकी सफलता को नहीं देखा जाए। क्या वो 36 के आंकड़े जो हैं, जो सरकार बनाने के लिए जरूरत है, आखिर उसको बीजेपी को कितना साल जरूरत पड़ेगी विपक्ष में बैठने के लिए? इन तमाम चीजों पे अगर गौर करें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को इस चीज का एहसास हुआ कि जन लोकपाल को लेकर के, जिसकी वजह से एक आंदोलन शुरू हुआ और आंदोलन से बनते बनते पार्टी बन गई, और वो आज जिसकी उम्मीद नहीं की गई थी 28 सीटें लेके आ गई, तो शायद इसी की वजह से एक तमाम चीजें लोकपाल बिल को लाने की और उसे पास करने के लिए तमाम दोनों पार्टियों में सहमति बनी। हालांकि सपा के जो लोग थे वो नाराजगी है उनमें, और वो जब वोटिंग के दौरान वो बाहर रहे, यही वजह है कि कहीं ना कहीं उनकी अपनी शिकायतें अलग हैं कि इस लोकपाल से उनको कुछ खास फायदा जनता को नहीं होने वाला है। ये भी बात अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ये अगर अन्ना ये कहते हैं कि चलिए 100% ये बिल पूरी तरीके से जन लोकपाल नहीं है, जिस तरीके का ड्राफ्ट उन्होंने किया था, लेकिन अगर 70% भी अगर इसमें है तो आगे अमेंडमेंट करने की इसमें गुंजाइश होगी और इसको अमेंडमेंट कर करके उसको और स्ट्रांग किया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं क्रेडिट इसका अन्ना को ना जाए, इसलिए शायद अरविंद केजरीवाल जो है इस पे भी अब एक तरीके से टीका टिप्पणी कर रहे हैं कि ये लोकपाल जो है उसका अगर पास हो जाता है तो एक चूहा को भी इसको जेल नहीं भेजा जा सकता। यानी 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 रशीद जी, माहौल इस तरह का बना कि दबाव कुल मिलाकर ये समझ में आता है कि ये बिल इस बार जो पास होगा हुआ है राज्यसभा में, लोकसभा में भी जिस तरह की स्थितियां बनी है, आम सहमति बनी है और देश की दो बड़ी पार्टियां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि इसे पास होना चाहिए, ऐसे में ये समझ में आता है कि ये अन्ना हो या केजरीवाल, दोनों के दबाव में लिया गया ये निर्णय है। हालांकि इसे हो जाना चाहिए था, महादेव शेलार साहब कहीं सही कह रहे हैं कि इसे करना था कांग्रेस को, लेकिन कोई मौजू वक्त नहीं था और शायद जागे हैं ये लोग और आया है बहुत कुछ। बहुत बहुत समीक्षा करने के लिए रशीद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने दिल्ली के गलियारों से हमें अवगत कराया कि वहां पर क्या क्या घटनाएं किस तरह से घटी थी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बात चली है अन्ना की, अन्ना ने इस बिल के पास होने पर, राज्यसभा में पास होने पर सभी दलों को अपने संबोधन से उन्हें धन्यवाद कहा है, क्या कुछ कहा अन्ना आपको वो बता लेते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ी देर में हम अन्ना हजारे के वो बयान दिखाएंगे आपको जिस पर अन्ना ने लोगों से कहा है, अपनी बातें रखी हैं। महादेव शेलार साहब, आप इस बात में कितनी सच्चाई है कि ये दबाव में लाया गया बिल है, जैसा कि वहां के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है? ये जो चर्चा है वो फिजूल है ऐसा मैं कहूंगा। ये लोकपाल बिल जब भी ये मसला उठा तभी से हम इसके बारे में बहुत पॉजिटिवली सोच रहे हैं। मैं आपको इसके बारे में बोल दूं कि अभी भी मैंने बोला कि ये जो आरटीआई लाके क्या करना चाहते हैं कि कोई भी हो जो भ्रष्टाचार करता हो, भले कांग्रेस का हो किसी का भी हो, उसे हम क्षमा नहीं करेंगे। तो भ्रष्टाचार विमुक्त देश हमारी नेता सोनिया जी चाहती है, राहुल जी चाहती है, और उस तरफ हमारा पूरा भारतीय जनता को सामने रखते हुए सत्ता हम कौन मानते हैं? देखिए, इस देश को स्वतंत्रता दिलाने वाली
वाली कांग्रेस जी, तो हम ये चाहते थे कि ये बिल पास हो जाए और इस देश में सब कारोबार, कोई भी सत्ता आएगी, देखो हमारा पार्टी आएगा कल, दूसरी कोई आएगी कल हमारी आएगी, तो इसमें ये एक बहुत अच्छी तरह से ये देश चलना चाहिए, ये देश का विकास होना चाहिए। लेकिन सबसे मैं एक ज्यादा चीज आपको बता सकता हूँ, माधव शर्मा साहब भ्रष्टाचार पर जब बात होती है तो अगला चुनाव जिस तरह से मोदी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने एक पूरी लंबी फहरिस्त जारी की, उसमें मोदी जब आगे आए तो उन्होंने भ्रष्टाचार को और विकास को ही मुद्दा बनाया। भ्रष्टाचार के जब आरोपों की झड़ी लगाने की बारी आई तो कांग्रेस पर ही ज्यादा इल्जाम लगे। नहीं, उनको लगने दो, देखो कहने से कुछ होता नहीं, और पहले तो विकास की बात की, बाद में अभी वो धार्मिकता भी बात करने लगे, फिर वो अयोध्या भी जाने लगे और किधर किधर जाने लगे, वो सोच छोड़िए, और कहीं निजी अवस्था में ये घरानेशाही इसके ऊपर भी आए, कोई भी हमारे पार्टी में घरानेशाही नहीं, लोग हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो काम करते हैं, उनके हिसाब से हमारे नेता चुना जाता है, वैसे आते हैं। राहुल जी भी अपने अपने गुण से आगे आए हैं, उन्होंने जो मैच्योरिटी इस देश के लिए, युवकों के लिए, आप हंसो मत, आप हंस का आप ह्यूलन लगते हो हंसने से, तो ये जिस तरह से वो आगे आए हैं, हमारे हम तो विचार रखने दीजिए, आपका विचार हो तो आप रखिए, आपको पॉजिटिवली इस देश को आगे लेने का लेके जाना है तो ये काम हमारे नेता करना चाहते हैं, इसलिए आरटीआई लाया, इसलिए फूड सिक्योरिटी लाया, इच्छा शिक्षा अभियान लाया, राजीव गांधी योजना लाई। अभी हंसने वाले को मैं जवाब दूंगा कि ये जब संगणक हम राजीव गांधी ला रहे थे तभी ये लोग ये आगे थे विरोध करने में, अभी ये संगणक यूज करने में ये लोग आगे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ नाम लेके बात कीजिए। आप जैसे हंसे ना, इसका मतलब आपका हंसने का तरीका ऐसा है कि आपके डिबेट में आपके बोलने के लिए कुछ बातें ही नहीं आपके पास। कांग्रेस इस देश में आम आदमी को हंसते हुए देखना नहीं चाहती है, वो आम आदमी के चेहरे में स्माइल देखना नहीं चाहती, वो एक बोझ से दबा हुआ आदमी देखना चाहती है। सत्ता चलाई है, बनाई है ना सरकार, हमने तो भीमसद पाठिमा दिया है, ये क्या कोई बोले नहीं, एक बिल पास हुआ है बिल को लेकर, भीमसद पाठिमा दिया, चलाई है सरकार दिल्ली की। शेलार साहब बात, एक बिल पास हुआ है उस पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं, रचनात्मक आरोप प्रत्यारोपों से उठकर अगर हम बात करें और रचनात्मक चर्चा करें तो शायद जनता भी उस पर रुचि ले। उसके ऊपर बोलिए, हम एक बार बात करते हैं इस बार, लेकिन मैं पिछली बार आपने आम आदमी पार्टी पर कहा था, इस बार आम आदमी पार्टी की तरफ से हंसी आई थी, शायद वो उन लोगों की जो उत्साह उनके बीच का है वो उन्हें इस तरह की उनसे गतिविधियां होती है। हम बात करते हैं अन्ना हजारे की, अन्ना हजारे ने क्या कहा है ये हम आपको दिखाते हैं, थोड़ी देर हम लोग अन्ना हजारे के बयान को भी सुन लें और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज राज्यसभा में पास हो गया है, कल लोकसभा में भी पास हो जाएगा, और लोकसभा में पास होने के बाद मैं अपना निशान छोड़ दूंगा। तो फिर से एक बार राज्यसभा में बैठे हुए समाजवादी पार्टी को छोड़कर जितने सांसदों ने इसको सपोर्ट किया उनको मैं धन्यवाद करता हूं, उनके आभार व्यक्त करता हूं, और विनती करता हूं लोकसभा के सभी बैठे हुए लोकसभा मेंबर्स, उनको भी मैं विनती करता हूं कि देश की मांग है ये, अन्ना हजारे की मांग नहीं है, पूरा देश मांग रहा है। प्रफुल्ल वोरा जी, सीधे आपके पास इसलिए आता हूं क्योंकि अन्ना हजारे से जुड़ा हुआ मामला है, अन्ना हजारे का बयान मैंने दिखाया है, अन्ना हजारे अब
आप चाहे किसी भी तरह के गणित से जोड़ ले, अन्ना हजारे इस आंदोलन के जनक के रूप में केजरीवाल जी भी वो सम्मान देते हैं, अपने लोगों को भेजते हैं। रालेगढ़ सिद्धि में जिस तरह की घटनाएं घटती हैं वो दुखद होती हैं, वो अलग एक विषय है, लेकिन अन्ना हजारे जन लोकपाल का प्रतीक तो जरूर बने। जरूर जरूर, आज नेतृत्व में ही हुआ है। बिल्कुल, आज जब अन्ना हजारे सभी दलों को, समाजवादी पार्टी को छोड़कर सभी दलों को अगर बधाई देते हैं, उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए नजर आते हैं, तो आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं उनसे कटी हुई नजर आती है। तब आप लोग क्या महसूस करते हैं कि जिस व्यक्ति के नेतृत्व में हमने आंदोलन शुरू किया था आज वो हमारे साथ नहीं है, राजनीतिक चोला ओढ़ लेने के कारण शायद ये व्यक्ति हमसे छूट गया, या फिर अन्ना जिस बिल को पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हुए उसको बधाई दे रहे हैं सभी सांसदों को, उसमें आप लोगों को अभी भी लगता है कि अन्ना कुछ कदम पीछे हटे? प्रफुल्ल नहीं, नहीं भाई, ऐसा है जी, अन्ना जैसे ना अभी अन्ना जी ने क्या कहा, देश की मांग थी वो पूरी हो रही है जी, तो उसमें हमें आनंद ही है। मगर इसमें बात ऐसी है कि 4-5 दिन पहले ही अन्ना जी ने कहा था कि हमें सशस्त्र बिल चाहिए, और इस बिल में जो है वो गए साल वही था, ये सशस्त्र नहीं है। अन्ना जी को बराबर एडवाइस नहीं मिला है। एक तो जब तक सिटीजन चार्टर न हो कंप्लेंट कैसे किया जाएगा? सिटीजन चार्टर हो तो कोई प्रणाली लिखी जाती है, उसका विरोध में कुछ हो तभी कंप्लेंट हो सकती है, तभी पनिशमेंट हो सकती है, इन्वेस्टिगेशन होगा। इंडिपेंडेंस न हो, अकाउंटेबिलिटी न हो, सीबीआई इंडिपेंडेंट न हो, तो इसमें इसीलिए अरविंद जी ने कहा कि चूहे को भी जेल में डालने के लिए मुश्किल हो जाएगी जी। हम चाहते थे कि सशक्त बिल हो, जैसे सबने बैठ के, कमेटी ने बैठ के बनाया था, सरकार की कमेटी थी, हमारे लोग थे, सब लोग थे उसमें, उन्होंने एक सशस्त्र बिल बनाया था, उसको निर्बल बना दिया है, इसलिए हमें बड़ा दुख हो रहा है। ठीक है, अभी आगे जाके देखते हैं, कुछ तो मिला है। चलिए अशरफ साहब, जैसे कहना चाह रहे हैं, जैसे कि हमारे कांग्रेस के भाई ने कहा था, आधी रोटी मिली है, बाकी इंतजार करते हैं। प्रफुल्ल भाई कुछ कहना चाह रहे हैं अशरफ साहब? इसका मतलब ये हुआ कि आप जब तक साथ में थे तब तक अन्ना सही सिमट में जा रहे थे, जैसे ही आपने अपना साथ हटा लिया अन्ना की सिमट बदल गई। नहीं, हमने यही कहना चाहिए, हमने साथ नहीं हटाया। देखिए, अन्ना जी निकल गए, बोले कि हमें कि आप हमें हो गए थे, हम नहीं निकल गए, साथी ने, रुक जाइए, हम नहीं निकल गए। अन्ना जी बोले कि हमें पॉलिटिक्स में नहीं जाना। बोल रहे सर, मेरी बात सुन लीजिए, आपने कहा 65 साल की बात, राजनीति की बात हो रही थी। मैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा फर्क महसूस नहीं करता। साहब ने जो टिप्पणी की थी मैं इस तरह से उसको समझता हूँ कि सूप हंसे हंसे छलनी भी हंसे जिसके बहत्तर छेद। जो लोग कर्नाटक से लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक सारी जगह पर डूबे हुए थे वो अब इस तरह की बात करें। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें आपकी वाहवाही नहीं है। ये कांग्रेस डूबते हुए जहाज की तरह आज खड़ी है और वो डूब रही है, और वो जब डूब रही है तो वो पूरी कोशिश करके अपने आप को ऊपर बता रही है। इसमें कांग्रेस सफल होती नजर आ रही है। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस कभी डूबने वाली नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है कांग्रेस कभी भी डूबने वाली नहीं है। एक आम आदमी की कोई फाइल साइन नहीं होती। एंकर साहब मुझे बोलने दीजिए। जी जी, अच्छा मुझे सुन लीजिए, एक एक देर से बोल रहे हैं। शेलर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, दोनों लोग उनको कहने दीजिए। जब आपके पास भी ये डूबती हुई नौका बोल रहे हैं, अरे कांग्रेस कभी डूबने वाली नहीं है। इस देश से जुड़ी हुई कांग्रेस है कि कल मेरे थोड़ा पलट होगा इसका मतलब डूबी नहीं है। माधव साहब बोल लेने दीजिए, एक एक करके बोलिए। 6 महीने पहला हमने, माधव साहब 6 महीना पहला हमने इलेक्शन जीता है। आप 10 साल 6 महीने के बाद इलेक्शन आते हैं और अगला लोकसभा का इलेक्शन भी जीतने वाले हैं। चलिए शेलर साहब, मेरी बात सुनिए सर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल वही काम कर रहे हैं जो 2004 में भारतीय जनता पार्टी ने किया था। इंडिया शाइनिंग के नाम पर जिस तरह से वाहवाही लूटनी चाहिए उस तरह से आप अपनी गुणगान मत गाइए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज लोग आपसे नाराज हैं और उसका परिणाम मिल रहा है, और आप ये कोशिश मत करिए कि उसका श्रेय किसी एक आदमी को चला जाए, ये देश की जनता को जाता है। यहाँ पर अगर इस तरह का होता तो आप, अगर दिल्ली में आपने 15 साल की थी तो इसी तरह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एंटी इनकम्बेंसी था, लेकिन आपने उसका कोई, आपके बड़े बड़े नेता वहां मारे गए, शहीद हुए, उसके बावजूद आपको वो श्रेय नहीं मिला। मैं इसलिए आपको बोलना चाहता हूं सर कि आप जो है बिल्कुल उस तरफ जाइए जहां ये लड़ा के, आप दो लोगों को लड़ा के दो चीजें और क्रेडिट देना चाहते हैं इस तरह से। शेलर साहब, आप भारतीय जनता पार्टी को और इसको क्रेडिट मत लेने दीजिए। आप को सुधारिए, भारतीय जनता पार्टी दो चीजें थी, एक दो चीजें रखे हुए अपनी सीटों को। देखिए शेलर साहब, इसे ईमानदारी से दो बातें, एक दिल्ली और दूसरी राजस्थान, दोनों जगह पर कांग्रेस की सरकारें थी, भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सरकार थी।
भारतीय जनता पार्टी ने अपने दोनों राज्यों को बचाया, जबकि छत्तीसगढ़ में यह माहौल था कि कांग्रेस आ सकती है, कांग्रेस ला सकती है, लेकिन कांग्रेस बजाय अब इन दोनों गढ़ों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सेंध लगाने के बजाय अपने दो बुर्ज गवा देती है, राजस्थान और दिल्ली के रूप में। तो कैसे कह सकते हैं कि अगला चुनाव आप जीत रहे हैं? शेलार साहब, अभी ये पांच इलेक्शन के बारे में मैं समीक्षण करना चाहता हूँ, पूरे समय मुझे दीजिए। चलिए शेलार साहब, ये एक लंबा विषय है चुनाव का, हम इस पर जरूर आपके पास एक बार फिर किसी दिन आएंगे। अभी सुनिए, मैं बताता हूँ ना, सुनिए, हमारे पास अभी एक समय अभाव है। ये चारों राज्यों के नतीजों पर जरूर शेलार साहब, मेरा वादा है कि एक बार हम फिर आपके साथ बैठेंगे। एक अभी चलते चलते, क्योंकि समय अभाव है, हम रचनात्मक बातों की चर्चा कर रहे थे, कहीं ना कहीं आरोपों प्रत्यारोपों की बात है। चलते चलते योगेश जी, चूंकि बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत संक्षेप में योगेश जी, समय एकदम नहीं है। देखिए, मैं थोड़े मेरे मित्र अशरफ जी से मैं कहना चाहता हूँ कि आज अगर 9 साल में कांग्रेस भ्रष्टाचार के आखंड डूबी है, तो समाजवादी पार्टी ये 9 सालों से इस कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है। हर मुद्दे पर मुलायम सिंह यादव जी वॉकआउट करते हैं, वॉकआउट करते हैं समय के, और फिर उसी बिल के अंदर आकर के फिर कांग्रेस का विरोध करते हैं। तो आप इस तरह से बराबर करने का काम मत कीजिए। अगर कांग्रेस भ्रष्टाचार का प्रतीक है, तो समाजवादी पार्टी उसको उस भ्रष्टाचार में मदद करने का प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जो कंटिन्यू भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है, इस लोकपाल के लिए लड़ रही है, देश में साफ सुथरा सुशासन के लिए लड़ रही है। एलआईसी और यूटीआई का घोटाले का क्या हुआ? शेलार साहब, बहुत सारी बातें हैं। देखिए, मैं बस अशरफ साहब, हमारा समय समाप्त हो रहा है, समय समाप्त हो चुका है। शेलार साहब और सभी अतिथियों से मैं बात करना चाहूंगा कि ये जिस तरह के आरोपों प्रत्यारोपों का दौर चला, शतरंज की बिसात बिछी, सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी सहूलत से अपने रास्ते चुने, आने वाले दिनों में जनता सब कुछ देख रही है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, सबको जानती है, आपको भी, आपके सामने चुनाव लड़ने वालों को भी। देखते हैं नतीजा क्या आता है, किस तरह की भूमिका जनता लेती है। चर्चाओं के दौर चलते रहेंगे, हम एक बार फिर इन्हीं हस्तियों के साथ दोबारा इसी विषय पर या इससे मिलते जुलते विषय पर जरूर हाजिर होंगे। फिलहाल आज के लिए आप लोग आए, आप लोगों ने चर्चा में हिस्सा लिया, अपनी बातें रखी, और एक बिल के पास होने के दौरान आपकी बातें सुनी गई, जनता देखेगी क्या होना है। फिलहाल मुद्दे की बात में मुझे, मेरे तमाम अतिथियों को और मुद्दे की बात की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए लेबर न्यूज़।